हाय हेलो वेलकम डैड इन किचन। आज मैं बनाऊंगा बोटी का सालन। मामू बोटी का सालन खाना जबरदस्त रहता मामू, उंगलियां चाटते रहना। ऐसा सिंपल मसाला जो नहीं खाने वाला भी ना बोटी खाना चालू कर देता। देखे कितना मस्त जबरदस्त बनता। बस अब इसको बनाने के लिए मामू मेरे को फॉलो हो जाओ, कैसा बना तो देखो। राइट, बस मिक्सी में लहसुन लेना, एक गड्डी लहसुन लेना, एक फुल प्याज भी लेना, अच्छा काट लेना। उसके अंदर कोथमीर भी डालना। कोथमीर डालने के बाद पुदीना भी थोड़ा ऐड करना। पुदीना कोथमीर लहसुन का फ्लेवर है ना मामू, जबरदस्त आता। अब इसमें टमाटे के टुकड़े भी डालेंगे दो तीन। टमाटे के टुकड़े डालने के बाद मिक्सी में इसको पेस्ट कर लेना मामू। बस पेस्ट हो गया। अब चूल्हे पे कुकर लगा के कुकर के अंदर बोटी को अच्छी तरह से धो लेना, साफ कर लेना। मामू बोटी कैसा साफ करते हैं इसका वीडियो मैं बाद में जरूर पोस्ट करूंगा। अब ढक्कन लगा के कुकर में 5 या 6 सीटी आने तक पकाना। चल मामू कुकर सीटी आ गया, 5 सीटी हो गए। कुकर को बाजू लगाएंगे, अब पकाएंगे बोटी का सालन। भगोना भगोना अच्छा गर्म होने के बाद मामू उसमें डालना तेल। तेल डाल के तेल गर्म होने के बाद इलायची लवंग दालचीनी डालना, उसके बाद बगार पत्ता डालना। अब इसको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए भून लेना मामू। बाद में इसमें प्याज डालना, प्याज को प्यार से हल्के से 2-3 मिनट हिला हिला के पका लेना। प्याज अच्छा नरम पकना, पकने दो ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही मामू। अब इसमें क्या करना, अपन डालेंगे पिसा हुआ मसाला, लहसुन प्याज कोथमीर पुदीना और टमाटर। अब ये लहसुन जो है ना मामू पूरा कच्चा है, इसको अच्छा पका लेना, अच्छा 5-6 मिनट पका लेना। सब कच्चा मसाला है, इसको अच्छा पका लेना तेल में प्याज के साथ, मस्त जबरदस्त भून लेना मामू। इसकी खुशबू है ना सा आ जाना, खुशबू नाक में लगे कि वाव, पसंद आता मामू। अच्छा हिला लेना, देखो ऐसा। अब अच्छा तेल ऊपर आना मामू, ऐसा जब तक पकाना। अब इसमें डालेंगे हल्दी और नमक, नमक जितना खाते उतना डाल लेना मामू अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको हिला लेंगे और 1-2-3 मिनट अच्छा पकाना मामू इसको। ये मसाला मेन मसाला अच्छी तरह पकना मामू, कच्चा नहीं रहना। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, इसको भी अच्छी तरह से और 1-2 मिनट पका लेना। बस अदरक लहसुन मसाला सब अच्छी तरह पकना मामू, वैसा उबाल आते तेल सेपरेट होते रहना, जब भी समझना कि मसाला पक गया। अच्छा हिला हिला के पकाना मामू। अब मसाला पक गया, अब बोटी जो बॉईल किया बोटी है ना उसको मैं और एक पानी से धो लिया मामू। ऐसा धोने से क्या होता, स्मेल नहीं आता, अच्छा धो लेना, दूसरे पानी से भी धो लेना। अब इसमें डालना मामू मसाले में बोटी। यार देखो मामू क्या खतरनाक टेस्ट बनता, अच्छा मिक्स कर लेना मामू जबरदस्त। पूरा अच्छा मसाले में पूरा बोटी पूरा गोले जैसा पूरा अच्छा मिक्स करना, जबरदस्त मिक्स करना मामू। यस ऐसे ही अच्छा मिक्स कर लेना पूरा। एक एक बोटी को मसाला है ना सब लग जाना जबरदस्त। खाए तो ना फिर नानी याद आती, जबरदस्त रहता मामू बोटी का सालन। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही डाल लेना मस्त, नॉनवेज को लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही डाले तो टेस्ट रहता जरा। अब डालेंगे इसमें इमली का पानी मामू, इमली का पानी भी डाल के इसको पकाना, जबरदस्त रहता मामू। उंगलियाँ चाट लेते रहना अपन, जो नए खाने वाला भी ना खाना चालू करता बोटी अगर ऐसे बनाए तो। अब है ना मामू इसको ढक्कन लगा के आराम से पका देना। अभी चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल लेना मामू इसमें, 1 कप पानी भी डाल लो,
अब इसको ढक्कन लगा के 15-20 मिनट आराम से छोड़ देना मामू, पक जाता। देखे वाव, पूरी पक गई मामू, जबरदस्त। आहा मस्त उबाल आ गया, बस खत्म। देखा मामू कितना अच्छा बना बूटी। इसको खाना अभी जबरदस्त, किसके साथ भी खा सकते मामू, खाने के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, इडली के साथ, डोसा के साथ भी खा सकते, इसको नान पराठा सबके साथ खा सकते, जबरदस्त मामू। अभी इसको आराम से धनिया पाउडर डालेंगे मामू, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल के और 1 मिनट पका के हिला को पकाना। वाह 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 वाह, क्या खुशबू मामू, जबरदस्त। खाए तो नानी याद आना। बन गया मामू सालन, तो बन गया बिल्कुल ऐसे बनाना। अब इसको डिश आउट कर लेंगे, अब इसको निकालेंगे मामू सेपरेट। आहा क्या, एक एक बूटी के टुकड़े मामू मुंह में डाल लिए तो ना ऐसा पिघल जाना। देखे मामू क्या जबरदस्त बना बूटी, नहीं खाने वाला भी खाता मामू ऐसा बनाए तो जबरदस्त रहता। आहा मामू आहा, अब इसको मुंह में डालना। देखे मामू क्या जबरदस्त बना, फैंटास्टिक। बाय, लाइक सब्सक्राइब करो, बाय।